सिक्किम राज्य की तिंगवोंग पंचायत में लेपचा जनजाति के लोग रहते हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। पर कंचनजंगा की गोद में बसे ये लेपचा मूलतः प्रकृति के उपासक हैं। प्रकृति से उनका लगाव, उनकी दिनचर्या, जीवन शैली और यहाँ तक के खेती बाड़ी के उनके तौर तरीकों में भी साफ परिलक्षित होता है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रणनीति अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। सिद्धिपेटा मंडलमु कोमिडी वेंकट रेड्डी जिला मेदकु। नाम कोमिडी वेंकट रेड्डी, उम्र 70 वर्ष, पंचायत राघोपुर, मंडल सिद्धिपीठ, जिला मेदक तेलंगाना, जमीन का रकबा 4 एकड़। श्री कोमिडी देश के ऐसे इलाके से आते हैं जहां 4 एकड़ खेती की जमीन के मालिक होने के बावजूद इनके जैसे कई किसानों और खेतीहर मजदूरों को गांव के बाहर शहरों में काम करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादातर जमीन पर साल में एक बार बारिश के मौसम में खेती होती है। हाथों को जब रोजगार मिला तो चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव के जिन घरों में जहां कोई विशेष उत्साह का माहौल नहीं रहता था, अब वहां उम्मीदें लहलहा रही हैं। देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के युवक और खासकर युवतियां, जिन्होंने कभी अपने घर और गांव के बाहर अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं की थी, उन्हें अब अपने कौशल के बल पर शहरों और महानगरों के संगठित क्षेत्रों के उद्यमों में नौकरी मिल रही है। और खुशियों ने तो मानो इनके चेहरे पर अपना कब्जा ही जमा लिया हो। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हमने ये कभी सोचा नहीं था कि आज जिस जगह पर हम हैं, कभी हम वो गोबर उठाने वाली या घर का कूड़ा करकट उठाने वाली इस मुकाम पर भी कभी पहुंचेंगे। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नाम शीतल, गांव सुल्तानपुर, समूह लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, पद फर्स्ट लीडर सह बुक कीपर, जिला जम्मू, परियोजना का नाम उम्मीद। ये आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता शीतल ने एक दिन में हासिल नहीं की है, इसके पीछे है इनकी मजबूत इच्छा शक्ति, इनके परिवार का सहयोग और गांव की सभी महिलाओं के द्वारा परस्पर सहयोग की भावना से संगठित स्वयं सहायता समूह। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बरसों पहले जले ऐसे ही एक दिए से ग्रामीण भारत के उजले भविष्य की उम्मीद जगी, जब भारत सरकार ने 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। सपना था देश के सभी गांवों को पक्की और 12-मासी सड़कों से जोड़ना, आज वो सपना साकार होता दिख रहा है। पहले कच्चा था, आदमी जा नहीं सकता था, अस्पताल पहुंच नहीं सकते थे, अब रोड सड़क बन गई प्रधानमंत्री योजना से, तो गांव से आ जाती 108 आने से टाइम से अस्पताल पहुंच जाते, इलाज बढ़िया हो जाता है, पहुंचने से सुविधा मिलती है बहुत। सड़क बनने के कारण बाजार करते हैं, मंडियाँ जाते हैं, मंडियों में अपने सामान को खपा देते हैं। पहले कच्चा रास्ता था, अब हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होती और हम आसानी से स्कूल आ जा सकते हैं। खाबड़ नहीं, अब साए सुन और गुर गुर की आवाजें आती है, हर गांव की सड़कें भी अब शहरों की सड़कों सी इतराती है। मिलों में खेतों तक मशीन पहुंच जाती है, हर मंडी भी अब खेतों के ही पास नजर आती है, पास नजर आती है। वो लबड़ थपड़ नहीं, खुशहाली के वास्ते ये ग्रामीण रास्ते, खुशहाली।
Hello and welcome to this training program of NRRDA on the use of plastic waste in the construction of bituminous roads. Now it's always a challenge for everyone on how to use limited resources to optimum limits. And nothing could be better than using your waste to make the best. Progress and development of a nation is reflected in the quality of its roads and assured all-weather connectivity to all habitations. But connecting all habitations for a country as large as India is a huge challenge. Under Prime Minister Gram Sadak Yojana, popularly known as PMGSY, the Ministry of Rural Development has been entrusted with the responsibility to connect all habitations. Kali, Kali, Kajali Eri. Rakhadi koyu bhat. Oh, Shari Babu! Ram Ram, Shari Babu, Ram Ram! Ram Ram, Ram Ram, utar bhaiya. Then kahe ka Shari Babu? Shari Babu hota to suit tie laga ke aata. Yu bus mein dhakke khate nahi aata. Aapko main aaj bhi nahi milta hu bus mazak ke liye. Are Shari Babu nahi, Gajendra Babu sahi. Kab aaye shehar se? Bas abhi abhi aa raha hu. Aapke is badle badle se gaon mein. Sach kahun utar bhaiya? तरक्की तो खूब दिख रही है। अच्छा, बहुत दिनों के बाद शहर से लौटे हो। हम मजदूरी करने वालों को कहाँ छुट्टी? एक दिन काम पर नहीं गए और मजदूरी गई और हालत खराब। धूल मिट्टी में सने हम और हालत खराब शहरी बाबू की। अच्छा अवतार भैया, चलता हूँ। जी जी जीजो साहब भी इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें फोन पर बता दिया था, सुबह पहुंचूंगा। जी जी जरूर इंतजार करिए। पर जीजो साहब उन्हें कहाँ फुर्सत? उन्हें तो पायस केंद्र में दूध देने के लिए जाना है। राम राम, राम राम। एक बात, अगर तुम भी कंपनी के मालिक होना चाहते हो, पायस कंपनी से जुड़ना चाहते हो, तो जुड़ जाओ। शहर का रास्ता भूल जाओगे। शहरी बाबू, नहीं नहीं, गजेंद्र बाबू, राम राम। ఆడుతూ పాడుతూ పని చేస్తుంటే అలుపు సలుపేమున్నది, శ్రీజ కంపెనీలో సభ్యత్వం ఉంటే ఎదురేమున్నది, మనకి కొదవేమున్నది. ఆడుతూ పాడుతూ పని చేస్తుంటే అలుపు సలుపేమున్నది, శ్రీజ కంపెనీలో. శ్వేతనా? అవునత్త. ఏం మహారాణి, మంచి టిప్ టాప్ గా వస్తున్నావు. ఏం మహారాణత్త, వేళ కొళం కాకపోతేను. మహారాణి అయితే ఎంచక్క 7 వారాల నగలేసుకొని కార్లో వచ్చేదాన్ని, ఇలా బస్సులో రాను కదత్త. సర్లేయే, ఏదో సరదా కన్నాను గాని ఇదేనా రావడం? అవునత్త. అక్క బావల్ని చూడ్డానికి ఇంతకాలానికి కుదిరిందనమాట. మీ ఆయనేడే? మా ఆయనకి పనులుండి రాలేదత్త. రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని బతుకులాయే. చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చావు, ఏంటే విశేషం? అక్క అర్జెంటుగా రమ్మని ఫోన్ చేసిందత్త. ఆగరా,